हे गूगल, भारत कैसे आजाद हुआ? मोहनदास गांधी 1914 में लड़ाई में शामिल हुए और सत्याग्रह के रूप में जानी जाने वाली अहिंसक विरोध की अपनी पद्धति का उपयोग करके देश को स्वतंत्रता की ओर ले गए। इस गाने का ये मतलब है कि गांधी जी ने सिंगल हैंडेडली नॉन वायलेंस का यूज करके अंग्रेजों को चुटकियों में देश से बाहर निकाल दिया। बट अगर ऐसा है तो फिर एक आदमी क्लेमेंट एटली, जिसने एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर साइन किया था, जिसको सारी अंदर की बातें पता थी कि उसी समय अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा। उससे जब किसी ने ये पूछा कि भारत को आजाद करने का असली कारण क्या था, तो उसके आंसर में गांधी जी, नेहरू जी और इवन कांग्रेस के कोई मेंशंस नहीं थे। एग्जैक्ट आंसर क्या था वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पर जब एटली से ये स्पेसिफिकली पूछा गया कि गांधी जी का क्या रोल था भारत को आजाद करवाने में, तो एटली ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, मिनिमल, यानी कि नाम मात्र का। क्लेमेंट एटली के दोनों स्टेटमेंट्स हमें आज तक पढ़ाई हुई हिस्ट्री को स्ट्रांगली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ है हमारे सो कॉल्ड कोर्ट हिस्टोरियंस, जो कि सालों से हमें एक ही कहानी बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के ये दो स्टेटमेंट्स। अब आप खुद ही बताओ कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद क्यों किया। इस सवाल का जवाब कौन ज्यादा बेहतर दे सकता है, वो लोग जो बाहर बैठकर हिस्ट्री लिख रहे थे, या फिर वो बंदा जिसने खुद एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत से ब्रिटिश रूल विथड्रॉ करवाया था? ऑफ कोर्स वो इंसान क्लेमेंट एटली। नाउ आई नो कुछ लोग इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट बुलशिट बोलेंगे, जबकि मैंने इनके सोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, बट स्टिल कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो भाई चलो 1939 में चलते हैं और वहां से पूरी कहानी रिलीव करते हैं, और ये मेरी गारंटी कि 1946-47 आते आते आपको ये खुद समझ आ जाएगा कि क्यों गांधी जी का रोल वॉज क्लोज टू नथिंग। एंड आपको ये भी समझ आ जाएगा कि 1947 में एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज अब भारत में रुकने का रिस्क ले ही नहीं सकते थे। ठीक है, Now we are in 1939. सब लोग अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें आजादी मिल जाए, बट सारे आंदोलन फेल हो रहे हैं, और अंग्रेज सिंपली पुलिस फोर्स, जिसमें मोस्टली इंडियंस है, उसका यूज करके ब्रिटिश राज को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ द सीन इज, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस, सिंपली बिकॉज गांधी जी और कांग्रेस के थॉट्स हमारे सुभाष बाबू से मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, सुभाष बाबू एक सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं कि यार देखो, हम लोग इतने सालों से तो अहिंसा कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और क्या पता आगे भी कुछ हो, और वैसे भी अभी पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। और ये सिंपल सा लॉजिक है कि अभी इस समय ब्रिटेन का मेन फोकस भारत नहीं है, ब्रिटेन का मेन फोकस है वो वॉर जीतना, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर भारत की अपनी खुद की आर्मी खड़ी करके अंग्रेजों को हमेशा के लिए देश से बाहर निकाल देते। ये आइडिया बहुत सही है, पर पता नहीं क्यों हमारे गांधी बाबू को ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। उनका स्टेटमेंट है कि दुश्मन पर उसकी मुसीबत के समय हमला करना गलत है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कांग्रेस ने ये अनाउंस कर दिया है कि अभी इस समय हम लोग कोई बड़ा मास स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। अब सुभाष बाबू सोच रहे हैं कि यार ऐसे तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा, तो चलो एक काम करते हैं, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये वाली स्ट्रेटजी लगाते हैं। तो अब सुभाष बाबू उन देशों में अपने कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं जो युद्ध में ब्रिटेन के अगेंस्ट में, जैसे जर्मनी, रूस, जापान। एंड इन 1941 सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए सोवियत रूस के लिए काबुल के रास्ते। अब बोस जाना तो रशिया चाहते हैं, बट वहां पर ढंग से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहे, तो वो डिसाइड करते हैं कि यार हमारा काम जर्मनी में भी हो सकता है, तो वो अब सीधा जर्मनी के लिए निकल गए। खैर, रूस में सही, जर्मनी ही सही, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। अब वो जर्मनी पहुंच तो गए हैं, बट उनको नाजी गवर्नमेंट से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है, हिटलर का सपोर्ट भी मिल रहा है, बट जिस तरह का सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस ने एक्सपेक्ट किया था, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और फिर हिटलर ने धोखे से रशिया को भी इन्वेड कर दिया है। तो ये सब हरकतों की वजह से सुभाष बाबू अब सोच रहे हैं कि यार जर्मनी से निकल जाना चाहिए, बिकॉज अब लग नहीं रहा कि यहाँ पर हमारा काम होगा। अब देखो, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतनी सारी माथाफोड़ी करने के बाद वो थम जाता, बोलता कि यार नहीं हो रहा यार, क्या करे। पर ये तो हमारे बंगाल का शेर है, ये कहाँ रुकने वाला है। तो अब ये सोच रहे हैं जापान के बारे में, बिकॉज जापान भी एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है ब्रिटेन का, और जापान में हमारे सुभाष बाबू के कॉन्टेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भाई साहब निकल गए सबमरीन में 3 महीने लंबे रूट पे, फ्रॉम जर्मनी ऑल द वे टू जापान।
भारत की कहानी का मेन ट्विस्ट अब आने वाला है, बट उससे पहले थोड़ी देर के लिए भारत में चलते हैं, जहां पर हमारे गांधी बापू ने द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। Since the British were not willing to let India defend herself by forming a national government, Gandhi called upon them to quit India. हाँ, वही भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारे स्कूल बुक्स के नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का लास्ट पेज होता है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और अंग्रेजों की कहानी खत्म हो गई, बट द रियलिटी इज क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ कम्प्लीट फेलियर। क्यों? क्योंकि आंदोलन शुरू होने के थोड़े समय बाद ही एंटायर कांग्रेस लीडरशिप इज इन जेल। गांधी जी, पंडित जी, सबको जेल में डाल दिया है, और लीडरशिप ना होने की वजह से ये आंदोलन खत्म हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आइडिया गंदा नहीं है, इवन इस आंदोलन की वजह से पूरा भारत वापस साथ आ गया है। बट द प्रॉब्लम इज, जो कि नेताजी बार बार बोल रहे थे, कि इस तरह के नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को दबाना अंग्रेज अब अच्छे से सीख गए हैं। अहिंसा गलत नहीं है, पर वो भारत के अभी किसी काम की भी नहीं है। तो अब वापिस चलते हैं नेताजी के पास, जो कि 1943 में जापान पहुंच चुके हैं, जहां पर उनको पहले से बनी हुई आजाद हिंद फौज का लीडर घोषित कर दिया है। अब लॉजिक समझना, नेताजी जापान क्यों आए? ताकि वो जापान में रहकर एक आर्मी बना सके इंडियन सोल्जर्स की, जो कि भारत पर इन्वेड करके उसका कंट्रोल ले सके। बट जापान में इंडियन सोल्जर्स कहां से आएंगे? वो ऐसे कि 1942 में सिंगापुर, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री के कंट्रोल में था, ब्रिटिश मिलिट्री जिसमें मोस्टली हिंदुस्तानी सोल्जर्स हैं, उस सिंगापुर को जापान ने अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड ब्रिटिश मिलिट्री के हिंदुस्तानी सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर जापान के कब्जे में आ गए। तो नेताजी ऐसे हिंदुस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को रिक्रूट करके आजाद हिंद फौज बनाना चाहते थे, जो कि भारत की आजादी के लिए लड़े। नाउ अब सब सेट है, आर्मी तैयार है, जापान का सपोर्ट है, और बस नेताजी के ऑर्डर्स का इंतजार है। ऑर्डर्स आने पर INA ने हमला किया जापान की आर्मी के साथ मिलकर, और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया के कई इलाके आजाद हिंद फौज के कब्जे में आ गए। मणिपुर के मोईरंग में आजाद हिंद फौज ने अपना तिरंगा भी लहरा दिया है, और चारों तरफ चलो दिल्ली के नारे लग रहे हैं। इधर दिल्ली में बैठे बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस एंड INA आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। बट जैसे जैसे आर्मी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सप्लाईज की प्रॉब्लम आ रही है, आर्मी में बीमारियां फैल रही है, एंड सबसे बड़ी बात, जापान अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिश आर्मी ने INA को हरा दिया है, और INA के बहुत सारे सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए, एंड जापान ने भी सरेंडर कर दिया है। ये सब देखकर नेताजी ने INA को डिसबैंड कर दिया है, और वो खुद भी अंडरग्राउंड हो गए हैं, बिकॉज अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि INA की कहानी तो खत्म हो गई, बट बाबू INA की असली कहानी यहाँ से शुरू हुई है। अब दो चीजें हैं, पहला कि जो सोल्जर्स अंग्रेजों की कैद से बच गए, वो सोल्जर्स एज सिविलियंस वापस पॉपुलेशन में री इंजेक्ट हो गए, और दूसरी तरफ जिन सोल्जर्स को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, उन सोल्जर्स को ट्रायल्स के लिए दिल्ली के लाल किले में लाया गया है। पब्लिक ट्रायल्स मतलब वही कि उन पर अलग अलग इल्जाम लगाएंगे और उसी के हिसाब से सजा सुनाएंगे। तो धीरे धीरे मोस्टली सोल्जर्स को लाल किले पर ले आए हैं। इधर जो सोल्जर्स सिविलियन बन गए थे वो चुप तो रहेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को आजाद हिंद फौज के बहादुरी के किस्से सुनाने स्टार्ट कर दिए, नेताजी की कहानियां सुनाना स्टार्ट कर दिया है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो पूरा भारत INA के सोल्जर्स की बहादुरी के किस्से सुन रहा है, और दूसरी तरफ ये अंग्रेज उन्हीं INA के सोल्जर्स को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से पूरा गेम बदल गया है, एकदम से लोगों के दिलों में आजाद हिंद फौज और नेताजी के लिए इतनी तगड़ी सिंपैथी आ गई है कि हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं और डिमांड कर रहे हैं INA के सारे सोल्जर्स की रिहाई एंड भारत से ब्रिटिश रूल का इमीडिएट विथड्रॉल। पूरा देश साथ खड़ा हो गया है। बट देखो यार, इस टाइप की सिचुएशन देश में बहुत बार बनी है, बट ये साले अंग्रेज हर बार आर्मी की वजह से बच जाते हैं, बट इस बार सालों की किस्मत खराब है, बिकॉज जस्ट अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और ब्रिटेन ने अपने मेजोरिटी ऑफ सोल्जर्स को वापस घर भेज दिया है। तो अब इन अंग्रेजों के पास आर्मी नहीं है इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, बट इससे थोड़े बहुत हिंदुस्तानी सोल्जर्स है ब्रिटिश आर्मी में, बिकॉज ऑफकोर्स सबको तो लड़ने भेजेंगे नहीं। तो ऑफिशियल्स ने उन थोड़े बहुत हिंदुस्तानी सोल्जर्स को ऑर्डर्स दिए लाठी चार्ज के। बट देखो यार, अब ये हिंदुस्तानी सोल्जर्स को ये फील हो रहा है कि भाई एक तरफ है आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हुए भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, एक तरफ हम है कि साला इन अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। तो इस फीलिंग की वजह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सारे हिंदुस्तानी सोल्जर्स बगावत पर उतर आए हैं, अंग्रेजों के ऑर्डर्स मानने बंद कर दिए हैं। अब अंग्रेजों की थोड़ी फटी है, बट स्टिल वो मैनेज कर लेंगे। बट बात वहाँ बिगड़ी जब रॉयल इंडियन नेवी, जिसमें भी मेजोरिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हैं, जिन सोल्जर्स को गालियां देते हैं अंग्रेज, जिनको सड़ा हुआ खाना खिलाते हैं अंग्रेज, वो सोल्जर्स भी बगावत पर उतर आए हैं, हाई कमांड के ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया है, और कई जगहों पर तो अपने शिप के कैप्टन को ही बाहर फेंक दिया है। अब इस टाइम अंग्रेजों के कंट्रोल में ना लोग हैं, ना आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। बिल्कुल सही,
ये पूरा माहौल देखते हुए ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स के हिंदुस्तानी सोल्जर्स भी बगावत पर उतर गए। नाउ ये वो पॉइंट है सन 1857 की क्रांति के बाद जब दूसरी बार अंग्रेजों की फटके हाथ में आ गई है। यहाँ से ब्रिटिश ऑफिशियल्स गवर्नमेंट इन लंदन में ये वार्निंग्स भेज रहे हैं कि भाई अब ये देश छोड़ने का समय आ गया है, यहाँ एक डेट अनाउंस करनी पड़ेगी आजादी की, वरना ये लोग हमें खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। और ये बात सच है यार कि अंग्रेज उस समय थोड़ा और रुक जाते तो माहौल इतना खराब था कि हमारे लोग उनको खदेड़ के बाहर निकाल देते। तो इस माहौल की वजह से अंग्रेजों ने एक डेट अनाउंस करी भारत की आजादी की, जो थी मिड 1948। मतलब लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर वो डेट को प्रीपोन करके 15 अगस्त 1947, आज से ठीक 75 साल पहले, अंग्रेज जल्दीबाजी में पावर ट्रांसफर करके यहाँ से निकल गए और पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत चाली। अब पूरी कहानी सुनने के बाद आप बताओ यार कि जितनी रेस्पेक्ट, जितना एक्नॉलेजमेंट सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज डिजर्व करती है, क्या हमने उतनी रेस्पेक्ट, उतना एक्नॉलेजमेंट उनको दिया है? हमारी हिस्ट्री बुक्स ने तो ऑफ कोर्स नहीं दिया है, एंड दैट इज व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया। जो भी 100-200 लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि यार आई हैव रेस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी, बट आई हैव गॉट सम सीरियस रेस्पेक्ट फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। नेताजी, गांधी जी और सारे फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत मिली हुई आजादी मुबारक हो। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कैसे लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।